प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर और नेता दिग्विजय सिंह के एयर स्ट्राइक को लेकर खड़े किए गए सवालों के बाद नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार द्वारा की गई विवादित टिप्पणी की दिग्गी राजा का डीएनए करवाना चाहिए जिससे दिग्गी राजा के दादा परदादा कौन है पता चल सके। इसे लेकर कांग्रेसजनों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज इसी मुद्दे को लेकर स्थानीय नेताओं ने विधायक दिलीप सिंह परिहार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ज्ञापन पुलिस अधीक्षक को सौंप विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जबकि परिहार अपनी टिप्पणी पर बोलते हुए ये कहते दिखाई पड़े कि देश के लिए वे जेल जाने तक को तैयार हैं। पिछले दिनों हमारे राष्ट्रीय नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ यहाँ नीमच के स्थानीय विधायक ने मीडिया के माध्यम से जो एक अशोभनीय टिप्पणी की है, निश्चित रूप से वो राजनीतिक मर्यादा का उल्लंघन है और मानवीय आधार पर भी उसको उचित नहीं ठहराया जा सकता है। निश्चित रूप से दिलीप परिहार जी द्वारा जो टिप्पणी की गई है उनको उसके लिए खेद प्रकट करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं इन दिनों अनर्गल विलाप कर रहे हैं और उसका कारण ये है, इन नेताओं का तो कार्यप्रणाली ऐसी है ही है लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो आधार है और जो उनकी नीतियाँ हैं वो गोडसे की नीतियाँ हैं। वो गांधी जी के हत्यारों को महिमा मंडित करते हैं, गांधी जी के हत्यारों की मूर्तियां बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, तो उनसे राष्ट्रभक्ति की और देशभक्ति की या अन्य विपक्षी दल के नेताओं का सम्मान की तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। आज जिला कांग्रेस द्वारा और सब वरिष्ठ कांग्रेसजनों द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय को एक ज्ञापन दिया है और उनके जो बयान है उसकी सीडी भी सौंपी गई है और उसमें मांग की गई है कि इस तरह की असंसदीय भाषा का जो उनने प्रयोग किया है तो जो भी कानून की धारा हो उसके अंतर्गत उसकी कार्रवाई कर तुरंत FIR दर्ज। विगत 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिग्विजय सिंह जी द्वारा जो टिप्पणी की गई थी उस पर उन्होंने पुतला का दहन किया, लेकिन हमें ये राजनीति में चलता रहता पुतले दहन का, लेकिन उन्होंने जो अपशब्दों का प्रयोग करा जिसमें कहा गया कि वो पाकिस्तानी है और देशद्रोही है, उस संबंध को लेकर हमने जिला के पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी और ब्लॉक के पदाधिकारियों ने एक FIR दर्ज कराई है और SP साहब से मिले। उसके ठीक दूसरे दिन फिर एक क्लिप हमें मिलती है, उस क्लिप में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं विधायक श्री दिलीप सिंह परिहार, जो कि पार्टी के नहीं वो जनता के विधायक हैं, उन्हें संयम से काम लेना चाहिए। उन्होंने जो दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ जो उनके पिताजी और दादाजी के संबंध में जो टिप्पणी की है उससे पूरे कांग्रेसी नीमच जिला ही नहीं प्रदेश में सभी कांग्रेसों में रोष है। इसी रोष को लेकर हमने आज यहाँ SP महोदय को एक ज्ञापन दिया है जिसमें कहा कि उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया जाए और कार्रवाई की जाए। देखो, देश से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। अगर देश के लिए FIR भी दर्ज होती है तो वो जो विधि विधान से जो कार्यक्रम होगा उसका हम कार्रवाई करेंगे और देश से बड़ा कोई नहीं है। और आतंकवादी गिनना है तो वहाँ जाके पाकिस्तान में जाके गिने कि कितने मरे। अब देशभक्तों के ऊपर इस प्रकार की बात होती है तो हम राष्ट्रभक्त हैं, जो साता भी है और वो तो बड़े ख़ानदान के लोग हैं, उनको तो बड़े सम्मान से बोलना चाहिए। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं वो तो, और उनका परिवार तो बहुत, तो यदि है तो राष्ट्र के लिए समर्पित होना चाहिए। और अगर करना है जाँच तो पाकिस्तान में जाके गिने कितने आतंकवादी मरे हैं। और कांग्रेस के लोगों को इतना ही शौक है तो वो राष्ट्रभक्तों के साथ खड़े रहे, सेना के साथ खड़े रहे। अगर उनको आना है तो सेना के लिए खड़े रहे, वो सेना के साथ में देश का मामला है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का जहाँ मामला चल रहा है ये राजनीतिक मामला नहीं, राजनीति से उठकर बात करना चाहिए और यथा प्लेटफॉर्म पर हम जैसा भी होगा वैसी बात